पार्वती जी को एक अभाव था, पार्वती जी को एक अभाव था, ये पुत्र की कामना करती थी। हालांकि इनको कार्तिकेय पुत्र के रूप में जन्म ये दे चुकी थी, कार्तिकेय का जन्म हो चुका था, लेकिन इनको पूर्ण संतुष्टि नहीं थी। ये चाहती थी मेरा ऐसा पुत्र पैदा हो जो त्रिलोकी में पूजित हो, पूरी त्रिलोकी में सम्मानित हो। तो इनको ये एक अभाव खटकता था। इन्होंने एक बार शंकर जी से चर्चा की, क्यों जी एक पुत्र अगर ऐसा हो हम लोगों को जो त्रिलोकी में जिसका जय जयकार हो, पूजित हो, वो सबके द्वारा सम्मानित हो, तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देवी पुण्य व्रत करो और इसी पुण्य व्रत से ब्रह्मा जी को मनु जैसा पुत्र मिला और मनु ने ये पुण्य व्रत किया तो उनको उत्तानपाद और प्रियवत नाम के पुत्र मिले, उनको एक देवहूति नाम की कन्या मिली, देवहूति ने पुण्य व्रत किया तो उनको कपिल भगवान पति के रूप में मिले। तो ये तो सबकी मनोकामना पूरी करता है, बोलो तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दोनों ने पुण्य व्रत किया, विशेषकर पार्वती जी ने, सनकादिक ऋषियों ने उनका सहयोग किया, सनकादिक ऋषियों के मार्गदर्शन में ही ये व्रत हुआ। व्रत की पूर्णता पर 125,000 ब्राह्मणों को भोज दिया है पार्वती जी ने। और जब ये पूर्णाहुति हो रही थी तो भगवान शिव भोलेनाथ को प्रकट होकर भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया कि भोलेनाथ आपका यज्ञ पूर्ण हो रहा है, मेरा आशीर्वाद है कि आपके यहाँ श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्रकट होंगे, गणेश जी के रूप में, और उनकी पूजा त्रिलोकी में होगी, त्रिलोकी में पूजित होंगे। तो जो गणेश जी हैं दूसरे पुत्र, वो कृष्ण के ही रूप में प्रथम पूजियत, सब देवताओं में सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। तो ये जो कामवन हैं, यहाँ के कामेश्वर महादेव हैं, ये सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाले